Hello everyone, I'm Bhavna Sahani and I'm back with the new video for class 12 business studies. And in this video we are doing the chapter management. This is the part 5 of the video. And jisne abhi tak part 1 2 3 and 4 nahi dekha hai, the link is in the description box. Kindly see that for understanding this chapter. So let's get started with the part 5 of this chapter. In this video we will be covering this topic, that is management as an art, management as a science, management as a profession. So in management as an art, sabse pehle hum art ko define karenge, then art ke features dekhenge, then we will be comparing the features and definition of art with the features and definition of management. The same way we'll do the science, the same way we'll do the profession, and we will see whether management is considered as an art or science or professional or not. Alright, or none of it. So let's get started to the first topic, and the first topic is management as an art. So art kya hoti hai? Art ek kala hoti hai, right? Art ek kala hoti hai jisme aap apni existing knowledge ko apply karte ho, right? Two same dancers jo hai, they have the existing knowledge of the dance but wo same tarike se dance nahi kar sakte, right? So art ek kala hai, ek personal application hai of the existing knowledge. Theek hai, jo bhi tumhe knowledge hai uska aap personalized tarike se apply karte ho to get the desired result. Isme basically hame study bhi karni chahiye, kala paane ke liye hame us cheez se related study karni padegi, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी एंड एक्सपीरियंस भी काफी इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट, अब जो न्यू डांसर है वो इतना अच्छा डांस नहीं करेगी एज कम्पेयर टू द डांसर जो 10 साल से है, राइट? तो इस चीज पे कला मैटर करती है. तो बेसिक फीचर क्या आर्ट का? आर्ट एक थ्योरिटिकल नॉलेज है. अगर मैं लिटरेचर की बात करूँ, डांस, पब्लिक स्पीकिंग, एक्ट, म्यूजिक, तो आप लोगों को इन सब चीजों से लेके रिलेटेड थ्योरिटिकल नॉलेज भी चाहिए. तो आर्ट इज लाइक अ थ्योरिटिकल नॉलेज. फिर आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन. अब पर्सनलाइज एप्लीकेशन में क्या है, अगर आप अपनी बेसिक नॉलेज जो है आपको, आप उसको अपने तरीके से यूज करते हो, उसको अपने तरीके से अप्लाई करते हो, तो जितने भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है कि वो किस तरीके से अपनी नॉलेज को यूज कर सकते हैं. तो इसलिए हम बोलते हैं कि आर्ट इज अ पर्सनलाइज कंसेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर, टू स्पीकर्स, टू एक्टर्स, टू राइटर्स, दे ऑलवेज डिफर इन डेमोन्स्ट्रेशन, राइट? फिर जो आर्ट है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है. जितनी अच्छी क्रिएटिविटी होगी उतना अच्छा आर्ट होगा, एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यू नो दैट, राइट? तो आर्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स रीड द फीचर्स एंड द डेफिनेशन ऑफ आर्ट. आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट. इट एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. द बेसिक फीचर ऑफ एन आर्ट आर एज फॉलोज. एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज. आर्ट, एनी आर्ट, लिटरेचर और डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थियोरिटिकल नॉलेज. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. आर्ट इज देयरफॉर पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर्स, टू स्पीकर्स, टू एक्टर्स, टू राइटर्स विल ऑलवेज डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द आर्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल. Art involves creative practice of existing theoretical knowledge. Since art is concerned with personal application of knowledge, some kind of creativity is required to practice the basic principles learned. For example, musicians make a unique composition which is based on 7 basic notes. All right. So, ये हैं आपके art के features. We are now let's compare these three features with the feature of management. अब देखते हैं management art है कि नहीं. तो सबसे पहला पॉइंट है, क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज है? हाँ, मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज है. सक्सेसफुल मैनेजर जो है वो प्रैक्टिस करता है मैनेजमेंट को, ठीक है, एंड ही स्टडीज द मैनेजमेंट, ही ऑब्जर्व द मैनेजमेंट, ही एक्सपीरियंसेस द मैनेजमेंट. तो यस, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. क्या मैनेजमेंट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन है?
यस लाइक एनी आर्ट मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है. हर एक मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने तरीकों से चीज़ों को मैनेज करता है. सो पर्सनलाइज एप्लीकेशन जितनी भी नॉलेज मैनेजर को है रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, तो वो उस तरीके से मैनेज करता है चीज़ों को. Whether the management is based on practice and creativity? Yes, management is based on practice and creativity. Management है वो criteria satisfy करता है manager का to gain experience, to gain perfection. तो practice और creativity दोनों important है. So let's read this. So we can say that management can be said to be an art क्योंकि वो तीनों features को, तीनों criteria को satisfy करता है. तो पहला क्या है? Existence of theoretical knowledge. As an art, in management too, there's lot of literature available in various areas of management like finance, marketing, human resource and so on, which the manager has to be specialized in. A successful manager practices the art of management in day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation and experience. Then personalized application, like in any art, in management too, a manager applies his acquired knowledge in a personalized and unique manner. He is involved in the activities of the organization, studies critical situation and formulates his own theories for use in a given situation. This gives rise to different styles of management. So this feature also exists in management as an art, right? Then based on practice and creativity, management satisfied this criteria as manager gains experience and achieves perfection after a long practice. A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiation and innovation. So yes, we can say that management can be said to be an art. All right. Then aata hai. Science is a science, management as a science. तो सबसे पहले science की definition देखते हैं. Science एक systemized body of knowledge है, ठीक है? क्या explain करता है? General truths, right? कि वो general truth कि how to operate the general laws, right? तो science is a systemized body of knowledge that explains certain general truth or the operation of general laws. So what are the features of science? सबसे पहला है systemized body of knowledge. तो science क्या एक systemized body है knowledge की? Basically science is based on cause and effect relationship. ये सबको पता है. For example, apple जो गिरा था from the tree, ठीक है? It is explained by the law of gravity by Newton. We can say that. तो we have a law of gravity and law of gravity is applied everywhere. आप उसको change नहीं कर सकते हो. कोई भी चीज अगर ऊपर से फेंकोगे तो वो automatically नीचे जाएगी क्योंकि gravity exist करता है. Then आता है principle based on experimentation. अब experimentation क्या है? जितनी भी चीजें हैं science में उसकी experiment हुई है, उसको observe किया गया है. तो जो management, जो science है, it is based on experimentation. जो scientific principle है उनको पहले ऑब्जर्व किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, रिपीटेडली उनके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन, तभी उसको एक लॉ में, एक थ्योरी में कन्वर्ट किया जाता है. फिर आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी. जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है यू कैन नॉट चेंज देम, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर कोई भी चीज ऊपर से फेंकोगे वो नीचे ही गिरेगी क्योंकि देयर इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी व्हिच वाज डिस्क्राइब बाय न्यूटन एंड इट इज यूनिवर्सल. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही होता, इट इज यूनिवर्सल. ऑलराइट, तो ये तीन फीचर्स हो गए साइंस के. नाउ लेट्स सी कि ये तीनों फीचर आर्ट मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं. तो सबसे पहला फीचर है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो जैसे साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस में अपनी खुद की थ्योरी है, वोकैबुलरी है, कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, वैसे ही मैनेजमेंट में अपनी थ्योरी है, कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, फीचर्स है, ठीक है? सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, राइट? लाइक साइंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद इट्स ओन थ्योरी, vocabulary of terms, concepts and principles that have developed over a period of time. So this feature of science is present in management. Phir second aata hai principle based on observation and experimentation. Theek hai, ab jaise science mein cheezon ko observe kiya jata hai, unke under control conditions unko experiment kiya jata hai, to jo management hai
मैनेजमेंट भी ऑब्जर्वेशन से ही डिराइव होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद ही डिराइव होता है. ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है, बेसिकली मैनेजमेंट में क्या होता है, दैट यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग, यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर. तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो एक्यूरेट नहीं होते, बिकॉज मेरा बिहेवियर अलग है, किसी और का बिहेवियर अलग होगा, तो उसमें ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग चीजें करी जाती है. तो भी हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में ये फीचर ऑब्जर्वेशन तो होती है, बट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो सकती. सेम चीज आप बार बार नहीं अप्लाई कर सकते जैसे साइंस में होता है. तो दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट इन मैनेजमेंट. फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो आप जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो एक मैनेजर को स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स देखते हैं कि आप ये टेक्निक्स यूज करके डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो. ये जो प्रिंसिपल्स है वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में मैनेजर्स को सिखाए होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जैसे ये फीचर एग्जिस्ट नहीं करता साइंस में, तो वी कैन से जो मैनेजमेंट है इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, इट इज एन इम्प्योर साइंस. ठीक है, हाउएवर जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, दे आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल. अब जो मैनेजमेंट का एप्लीकेशन है, यूज है, वो भी यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है. दे हैव बीन मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन, सो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन इम्प्योर साइंस और मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस. ऑल राइट, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. देन आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. नाउ प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं. अब ये करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या आता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है. तो हम नॉलेज तो ये पढ़ते ही आ रहे हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है. तो हर एक प्रोफेशन में आपको एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए टू फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, राइट? एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ लॉयर, राइट? एंड मेरे को अगर लॉ प्रैक्टिस करनी है तो आई हैव टू रजिस्टर माई सेल्फ अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया. अगर मैं रजिस्टर नहीं करूंगी तो आई कैन नॉट प्रैक्टिस. तो एंट्री इज रजिस्टर्ड. सिमिलरली फॉर CA, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कैंडिडेट है उसको एग्जाम देना होगा, एग्जाम क्लियर करेगा विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तभी वो CA बन पाएगा. सेम विद द लॉयर्स, अगर मैं एग्जाम क्लियर करूंगी तो ही मैं लॉयर बन पाऊंगी. ठीक है, देन वी हैव अ, पहले मैं ये दोनों रीड कर देती हूँ. अ प्रोफेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन. और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. जो एंट्री है प्रोफेशन की वो रिस्ट्रिक्टेड है थ्रू एन एग्जामिनेशन, थ्रू एन एजुकेशनल डिग्री. एजुकेशनल डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है इंडिया में, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम क्लियर करना होगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया लेता है, राइट? फिर आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन. जैसे लॉयर का प्रोफेशनल एसोसिएशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, और वो ही उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है. तो हर एक प्रोफेशन का एक एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी प्रोफेशन है, दे आर एफिलिएटेड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो उनकी एंट्री को रेगुलेट करता है, उनको सर्टिफिकेट देता है, उनको लाइसेंस देता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, उनको उनका प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना है. ठीक है, तो इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर इन इंडिया, तो यू शुड बी द मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो वो तुम्हारी एक्टिविटीज को तुम्हारा रेगुलेट करेगा, तुम्हें COP देगा, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. फिर आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? जितने भी प्रोफेशन है इसमें प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर को बाउंड करता है. यू हैव टू फॉलो दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपको डॉक्टर बनना है, तो ऑल द डॉक्टर्स हैव टू टेक एन एथिकल ओथ कि आप किसी भी पेशेंट के साथ गलत नहीं करोगे. दैट इज द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट?
सर्विस मोटिव। अब सर्विस मोटिव में क्या है, जो बेसिक मोटिव है प्रोफेशन का वो यही है कि अपने क्लाइंट को सर्विस देना, राइट, अपने क्लाइंट की सर्विस को के लिए कमिटेड रहना। और जो टास्क है लॉयर का, इट इज टू इंश्योर कि उनके क्लाइंट को जस्टिस मिल रहा है, राइट। तो बेसिकली ये सारे जो फीचर्स है ये है प्रोफेशन के फीचर्स। अब लेट्स सी वेदर ये फीचर मैनेजमेंट में है या नहीं। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है, बट ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है क्योंकि कुछ चीजें इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। सिमिलरली अकाउंटिंग, मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, जैसे ये है वैसे मैनेजमेंट नहीं है फुल फ्लेज प्रोफेशन, बट हाँ इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन क्योंकि कुछ फीचर्स जो है प्रोफेशन के वो मैनेजमेंट में आते हैं। सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे ही मैनेजमेंट में एक सिस्टमैटिक बॉडी होनी बहुत जरूरी है फॉर नॉलेज। नॉलेज इज कंपल्सरी, ठीक है, लेकिन देयर आर सर्टेन कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, नंबर ऑफ बुक्स, जैसे एग्जाम्पल IIM, IIM क्या कर रहा है, इट इज एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट की एजुकेशन देता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप वहां से डिग्री लो टू बी द मैनेजर। सो एक तरीके से बोल सकते हैं येस, मैनेजमेंट इज अ वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी और एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जहां से आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। सो वी कैन से दैट दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब जो एंट्री है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जैसे IIM है, इट इज थ्रू एन एग्जामिनेशन, इट इज यूजली थ्रू एन एग्जामिनेशन। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन एनी वन बींग डेजिग्नेटेड एज अ मैनेजर। मैनेजर अगर आपने IIM का एग्जाम नहीं दिया तो भी यू कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ मैनेजर, यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो वो कंपल्सरी नहीं है कि इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। एनी वन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन प्रोफेशन में बेसिकली देखा जाए, अगर आपने डॉक्टर, इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर यू हैव टू डू MBBS, इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर यू हैव टू डू LLB, एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस एज अ CA तो आपको CA का कोर्स करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो फीचर है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। एंट्री टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज यूजली थ्रू एन एग्जामिनेशन। हाउएवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस। एनीवन कैन बी कॉल्ड एज अ मैनेजर ऑफ द विदाउट द इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेशन, राइट। अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और अ लॉयर टू पोजेस वैलिड डिग्री, Nowhere in the world it is mandatory for a manager to possess any specific degree to be a manager. Koi specific degree nahi chahiye to be a manager, right? So, but professional knowledge and training is considered to be a desired qualification to be a manager. So, since there is a greater demand for those who possess degree and diplomas from reputed institutions, so presently this feature of profession is not present in the management. So, we can say that it is an inexact प्रोफेशन, राइट। देन आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। मैनेजर्स का क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसमें प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, फॉर ऑल द मेंबर्स, ठीक है, बट कंपल्सरी नहीं है फॉर ऑल द मैनेजर्स टू बी द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। यू कैन बी अ मैनेजर without being the member of All India Management Association. So presently this feature is also not present in management. फिर आता है ethical code of conduct. जैसे All India Management Association है, उसका भी एक ethical code of conduct है for all the Indian managers, but उसके लिए कोई law नहीं है, there is no statutory backing for this code. So it is, that means it is not compulsory to follow that. So presently this feature of profession is also not applicable in management. फिर आता है सर्विस मोटिव। जो बेसिक पर्पस है मैनेजमेंट का वो ये है टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस एंड बाय सर्विंग द सोसाइटी, बट द सोसाइटी इज बीइंग इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड।
सो प्रेजेंटली जो ये फीचर है मैनेजमेंट का प्रोफेशन का, इट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन. येस इट इज अ प्रोफेशन क्योंकि एक दो फीचर्स आते हैं मैनेजमेंट में, बट ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है क्योंकि सारे फीचर्स इसमें नहीं आते. ऑल राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो, तीन टॉपिक, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन बिलो for the offline and online classes. And you can reach us out on Instagram, Facebook and Telegram for the notes of this chapter. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.